Hello everyone. Let's solve one more problem related to infix to postfix expression and expression containing this function, right? So according to this precedence operator table, highest precedence किसका है? Remember this one. The operators कौन-कौन से मेरे पास? एक multiplication, for each also you can say operator here, right? And this plus comma is also operator, comma and multiplication, right? So let me number these operators. तो first में अगर देखा जाए तो ये fun हो गया, first को हम देते रहे इसमें one, and second पे मेरा ये parenthesis आ रहा है. अच्छा देखिएगा, ये भी fun है, ये भी fun function call हो रही है, and parenthesis और parenthesis you can say, like, तो first में हम इसको जा रहे हैं, left to right में जा रहे हैं, और सेकंड पोजीशन पे हम इसको दे रहे हैं, सेकंड पोजीशन पे ये दे रहे हैं, थर्ड पे अगर इस बाउंड्री के अंदर आ गया, थर्ड पे ये आ गया, फोर्थ पे मेरा कॉमा ऑपरेटर, यस ये देखिएगा कॉमा ऑपरेटर है एक यहां पे, कॉमा ऑपरेटर लास्ट में, ठीक. तो अच्छा जब ये कंप्लीट हो जाएगा देन हम आप आ जाएंगे फिफ्थ पोजीशन पे, ये देन सॉल्व करें. चलिए वन बाय वन सॉल्व करते हैं, पहले फर्स्ट दिस वन. तो अगर मेरे पास बोलूं दिस वन फॉलोड बाय दिस वन, तो क्या लिख सकते हैं हम इसको? ये पोस्टफिक्स में इसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी कॉमा सी इंटू डी पैरेंथेसिस ऑफ वन को मैंने इधर भेज दिया और n मल्टीप्लाई बाय दिस. अब ऑपरेंड्स कितने हो गए? अब मैं मान के चल रहा हूं दिस इज वन ऑपरेंड एंड दिस इज वन, दिस वन. अब इसमें इसका सॉल्यूशन बचा हुआ है, अब इसमें सॉल्व करिए, थ्री टू एंड फोर. तो दिस नंबर, इसका नंबर है सी डी का, तो सी डी स्टार इसको लिख सकते हैं, सी डी स्टार, और इसको क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस, और ये हो गया, और इस कॉमा को क्या लिख सकते हैं, कॉमा, चलिए अभी रहने दो, कॉमा, कॉमा को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा ऐसे भेज सकते हैं, और ये मेरा फन तो पहले से था. तो अब मेरा जाके ये पर्टिकुलर एक सिंगल ऑपरेंड बन गया, और ये इधर था एन मल्टीप्लाई बाई दिस वन, तो वन ऑपरेंड मल्टीप्लाई बाई सेकेंड ऑपरेंड. तो क्या लिख सकता हूँ, एन एन, और ये हो गया ए बी प्लस फर्स्ट ऑपरेंड फॉलोड बाय सेकंड ऑपरेंड सी डी स्टार कॉमा फन फॉलोड बाय दिस मल्टीप्लीकेशन, राइट. तो ये हो सकता है हमारा आंसर क्या आ गया इस इनफिक्स एक्सप्रेशन का, दिस इज करस्पॉन्डिंग पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन according to this operator precedence and associativity table, right? तो इसमें comma भी operator है. Remember this one, comma operator. Comma operator is very useful also. ठीक? In argument passing अगर आप करते हैं, तो अगर मेरा function कोई return करता है ना, तो last जो हमारे पास जो argument होता है, उस function के अंदर कई सारे arguments है, comma operator के through separated है, तो last argument यहाँ से return होता है. तो this is very important. Once again. तो यहाँ प्लस हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन प्लस है दिस कॉमा ऑपरेटर, राइट. कॉमा ऑपरेटर आप देख लीजिएगा, यहाँ पे कॉमा ऑपरेटर दिया हुआ है, यहाँ पे ये कॉमा ऑपरेटर एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है इसकी, यू कैन राइट लाइक दिस, ओके. चलिए तो सिंपल दिस इज अबाउट दिस फंक्शन एक्सप्रेशन कंटेनिंग द फंक्शन, ओके. तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर के बारे में, टर्नरी ऑपरेटर कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को.